हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिस्ट स्टॉक्स। तो देखिए, कल शाम को ही हमने निफ्टी की वीडियो में ये तो चीज जरूर जान ही ली थी इंडिकेटिव वे में कि मार्केट्स के सेंटीमेंट बहुत ज्यादा वीक हैं ग्लोबली, और कुछ डोमेस्टिक कारणों की वजह से मार्केट एक गैप डाउन के साथ में बड़ी गिरावट दिखा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज एक बड़ा क्रैक आते हुए देखने को मिला, 3% से ज्यादा की क्लोजिंग हमने निफ्टी के ऊपर देखी है, वो एक्चुअली थोड़ा सा बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशन चला गया। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन गिरने की तो थी कि मार्केट्स गिरेंगे, बट इतनी ज्यादा गिरावट होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और कल मैंने देखी वीडियो में 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, चारों आज काम करते हुए दिखाई दिए हैं और उन्हीं की वजह से मार्केट्स इतना ज्यादा गिरा है, एक्सेप्ट 1 पॉइंट जो हमने कल मिस कर दिया था, वो था LIC IPO। LIC ने आज बेसिकली अपना DRHP फाइल कर दिया है, यानी कि उसके IPO की डिटेल्स बहुत जल्द आपके सामने आती हुई दिखाई दे जाएंगी वंस इट विल बी अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर्स। एंड ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अब LIC की वजह से पैसे मार्केट से सकआउट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि जो वीक सिनेरियो मार्केट्स के अंदर था वो और कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। ये हमारे सामने चीजें निकल के आ रही है, डिटेल में बात करेंगे आज की निफ्टी की वीडियो में। फिलहाल देखते हैं HDFC लिमिटेड का स्टॉक, HDFC लिमिटेड जिसके अंदर आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तकरीबन 6% की। देखिए, हमने इस स्टॉक के अंदर लगातार एक बेरिश टेरिटरी के अंदर आते हुए इस स्टॉक को देखा है, 1-1.5% की गिरावट थी, फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ मूव आता हुआ दिखाई देता था, पर आज एक नया 52 वीक लो लगाया 2290 के ऊपर और बहुत बड़ी गिरावट यहां पर एक ही दिन में इंट्राडे में दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, क्लोजिंग होते होते कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट वहां पर नहीं देखने को मिला, वही लेवल्स के आसपास आज क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करके नीचे आ गया है। क्या कुछ टारगेट्स बनते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लास्ट में नवंबर 2021 के अंदर मैंने एक वीडियो आपके सामने शेयर करी थी HDFC लिमिटेड के ऊपर, जब एक राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर था और मैंने वहां पर आपको बताया था कि आपको अलर्ट होने वाली कंडीशन आ सकती है। उसके बाद क्या हुआ है वो मैं अभी चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, जस्ट याद रखिएगा। इसका 52 वीक हाई जो है वो है तकरीबन 3021 का, जो 15th of November 2021 को इसने लगाया था, एंड 14th of Feb 2022 का, यानी कि आज वैलेंटाइंस डे वाले दिन आज इसने अपना 52 वीक नया लो लगाया है 2290 रुपए के ऊपर। तो जो लोग 3000 रुपए पर फंसे हुए हैं उनके लिए आज एक बहुत बुरा वैलेंटाइन डे रहा है, तो मैं आशा करता हूं कि वो ज्यादा घबराए ना, पैनिक ना हो, क्योंकि ये स्टॉक जो है निफ्टी 50 का सबसे बड़ा टॉप 10 दिग्गज स्टॉक है, रिलायंस एंड TCS के बाद में इसका नंबर आता है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ब्लू चिप्स में बहुत दिनों तक गिरावट बनी नहीं रहती, यानी कि आपको मौके मिलेंगे राइज पर सेल करने के, किस टाइप से आपको वो चीज देखनी है वो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं, देखिए चार्ट्स के ऊपर सिचुएशन है ये आपके सामने। प्रीवियसली मैंने यहां पर एक इंडिकेटिव वीडियो जो आपके सामने लेके आया था नवंबर 2021 में, तब इस टाइप एक राइजिंग चैनल पैटर्न था, एंड जो राइजिंग चैनल पैटर्न है या फॉलिंग चैनल पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और ऐसे पैटर्न जनरली कंप्लीट हुआ करते हैं अगर आपका टाइम फ्रेम सही हो। यानी कि वनडे की सेटिंग पर हम तब भी देख रहे थे, आज भी हम लोग वनडे की सेटिंग पर देख रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि इस पैटर्न के बाद में जो गिरावट आनी थी वो तो काफी ज्यादा आ चुकी है, तकरीबन 20% तो गिरावट थी जब ये स्टॉक 2500 रुपए के लेवल पर था, 2400 रुपए के लेवल्स के आसपास था, लेकिन आज की तारीख में ये स्टॉक पहुंचा है ऑलमोस्ट 2300 के लेवल्स पर, यानी कि 20% से भी ज्यादा की गिरावट अब इस स्टॉक में हो चुकी है अपने पीक से जो 3000 रुपए के ऊपर के थे। तो अब हमें करना क्या चाहिए, देखिए अब अगर हम पैटर्न एनालिसिस करें तो यहां पर एक डाउनवर्ड चैनल पैटर्न है, या फिर मैं कह दूं एक फॉलिंग वेज चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन है। फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है, फॉलिंग वेज पैटर्न के बाद में बेसिकली एक अपराइज यहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली अपराइज आना था, लेकिन क्योंकि आज पैनिकिंग सिचुएशन की वजह से मार्केट ने बहुत बड़े लेवल पर क्रैक होकर दिखाया है, इसलिए HDFC लिमिटेड ने अपनी इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया है यहां पर। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये एक सपोर्ट लाइन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे पास में जो टच पॉइंट है वो काफी ज्यादा है, फर्स्ट टच पॉइंट है, ये सेकेंड टच पॉइंट है, उसके बाद में यहां पर हमारा थर्ड टच पॉइंट है, फोर्थ टच पॉइंट है, एंड ये फिफ्थ टच पॉइंट है। तो ये देखिए कोई ऐसी सपोर्ट लाइन नहीं है, बहुत
बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लाइन है, इसको अगर डिसाइसिव वे में इस तरीके से अगर ये नीचे की तरफ निकालता है तो इट मींस काफी ज्यादा गिरावट के साइन आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड प्रीवियसली हमने देखा था कि देखिए अपने 200 डेमा से तो डेफिनेटली ये नीचे चली रहा था, तो एक बेयर टेरिटरी में था, उसके बाद में लगातार इसके अंदर लोअर लोज एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन भी होती हुई दिखाई दे रही थी। अगर देखिए ये बेसिकली इस लाइन को ना काटता और उसके बाद में यहां पर टकरा के वापस से ऊपर की तरफ निकलता तो इसका जो रिजल्टेंट है वो एक हायर अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिल सकता था, कि इसके बाद में एक बड़ी तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती थी। बट क्योंकि अभी रिसेंट में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा वीक सिचुएशन है, इसलिए मुझे लगता है कि देखिए आने वाले कुछ टाइम के अंदर इसमें कोई बड़ा अप मूव आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ निकलेगा हर एक वो लेवल जहां पर आकर इसने स्टे किया है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखिए इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस फेस होने लगेंगे इस स्टॉक को और काफी लंबा टाइम ये ले सकता है वापस से अपने उन लेवल्स को गेन करने में जो बेसिकली इसने नवंबर 2021 में लगाए थे 3000 एंड अबव की। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा, आपको यहां पर बहुत ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई देंगी। देखिए जब भी इस स्टॉक में इस टाइप की गिरावट होती है 3-5% की तो नेक्स्ट डे ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ये स्टॉक काफी हद तक इंट्राडे में रिगेन करने की कोशिश करता है अपनी उन्हीं वैल्यूज को। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप यहां पर इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए तैयार हो तो फिर आपको काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसके आरएसआई की वैल्यू देखें तो इस वक्त 27 के लेवल्स पर है और प्रीवियसली अगर हिस्ट्री देखें इसकी तो काफी हद तक ये 27 के लेवल्स पर आकर अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है और इसलिए देखिए चांसेस ज्यादा है कि यहां पर इस वक्त ये आ गया है 27 के लेवल्स पर तो ये डेफिनेटली बाउंस बैक हो सकता है, इस तरीके की पोजीशन आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऑन दी वेरी नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन भी आपको यहां पर तकरीबन 20 से लेके और 35-40 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बेयर टेरिटरी के अंदर इस वक्त एंटर हो चुका है इसलिए कोई भी ट्रेड को आप विदाउट स्टॉप लॉस ना ले। अभी देखिए यहां पर हम लोग सिचुएशन देखते हैं कि अगर ये स्टॉक और भी ज्यादा गिरता है तो कहां तक के लेवल्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अपने मेजर लेवल्स को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया है तो हमें थोड़ा सा यहां पर बैकवर्ड अप्रोच लेते हुए देखना है कि कौन से वो लेवल्स हैं जो अब इसके अंदर आ सकते हैं। देखिए क्लियरली आप यहां देख पा रहे होंगे ये मेरे को एक लेवल दिखाई दे रहा है प्रीवियसली जो एक सपोर्ट का काम कर रहे थे जो अब इस स्टॉक के लिए एक नया लेवल तैयार करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा और ऊपर मैं शिफ्ट करता हूं तो ये टच पॉइंट्स हमें अच्छी तरह मिलेंगे। तो देखिए ये लाइन मैंने एक मार्क करी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है इसके लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट और यहां तक डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे की तरफ और आ सकता है। इन लेवल से मुझे सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है जो है 2176 का, 2176 तक के लेवल्स इस स्टॉक में फर्दर और देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसने अपने मेजर एक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अगर हम लोग बात करें मूविंग एवरेजेस के हिसाब से तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है कि डेथ क्रॉसओवर की फॉर्मेशन इसने अभी करी थी कुछ दिनों पहले और अगेन एक निगेटिव क्रॉसओवर की फॉर्मेशन ही यहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि 200 डेमा जो ये रेड लाइन है ये इसको इस तरीके से नीचे की तरफ काटने के लिए तैयार है। अगर ऐसा ही मूव रहा तो आने वाले टाइम में एक और डेथ क्रॉसओवर आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा वीक है एंड सेलिंग अगर आप देखें पिछले दो हफ्ते से वो काफी ज्यादा इंटेंस हो गई है, वॉल्यूम्स के साथ में आ रही है, इसलिए अभी इसके अंदर कोई बड़ा अप मूव अपनी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को निकालने की ताकत क्षमता अभी इसके स्टॉक के अंदर नहीं है। तो इंट्राडे में प्ले करके डेफिनेटली आप यहां पर एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं पैसा कमाने की। तो यहां पर हमें क्या सिचुएशन लगा के रखनी है कि अगर आपके पास में पोजीशंस हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2176 का, अगर इसके नीचे निकला तो फर्दर फिर काफी ज्यादा गिरावट और भी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर सिर्फ ये एक इंपल्सिव रिएक्शन था यानी कि आज पैनिकिंग सिचुएशन में जो सेलिंग आई है वही थी तो फिर डेफिनेटली ये अप्रोच करेगा अपने इसी बैंड के अंदर वापस से आने की। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूं, देखिए यहां पर ये पूरी कोशिश करेगा कि अपने इस नॉर्मल बैंड के अंदर आता हुआ दिखाई दे, जिस नॉर्मल बैंड को हम लोग फॉलिंग वेज पैटर्न का नाम दे रहे थे यानी कि इस बैंड के अंदर, और वंस ये यहां पर आता है तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन बनेगी जैसी यहां पर बनी थी, यानी कि इस फॉलिंग वेज को नीचे की तरफ ब्रेक जरूर किया था स्टॉक प्राइस ने लेकिन फिर कुछ दिन यहां पर कंसोलिडेट होने के बाद में वापस से ऊपर की तरफ यहां पर अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया था। तो हमें ये चीज देखनी है कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर एक पॉजिटिविटी बनती भी जरूर दिखाई देगी और यहां से अगर नीचे निकला तो अगला सपोर्ट 2176 पे आपका रहना चाहिए। अब अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड लेनी है तो देखिए इंट्राडे के लिए मैं आपको लेके चलता हूं इसके
करेंगे आर्ली चार्ट्स पर, आर्ली चार्ट्स पर देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पोजीशन बनती हुई नजर आती हैं। अगर एक्सेसिव सेलिंग के बाद में कोई भी बाइंग एक्शन देखने को मिला तो प्रीवियसली अगर आप देखेंगे यानी कि आज का ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे कहां पर जाकर इसने होल्ड लिया है, इसको मैं जूम करता हूं थोड़ा सा, ये देखिए ये सिचुएशन है आरडी चार्ट्स पर, ये वो एरिया है जहां पर इसने आज एक होल्ड वाली पोजीशन अपनाई है। लेवल्स कौन से हैं प्रिसाइजली हम लोग मार्क करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास में लेवल्स आ रहे हैं 2328 के, फाइन ये है 2310 28 के लेवल्स हैं, यानी कि करंट लेवल से अगर आप बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं ये टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो हैं ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स अप, 40 रुपए ऊपर आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहां पर इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चले कि हमें 1:1 देखना है तो 40 रुपए अगर मैं प्रॉफिट की तरफ देख रहा हूं तो 40 रुपए ही मुझे नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। करंट मार्केट प्राइस अगर 2290 है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2250 के ऊपर रहना चाहिए 1:1 के हिसाब से, तो यहां मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मेरे टारगेट जो रहेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए 2328 यानी कि तकरीबन 35-40 रुपीज ऊपर रहेंगे मेरे टारगेट रहेंगे, और करंट मार्केट प्राइस जो है 2290 का यहां से मुझे अप्रोच बनानी होगी बाइंग साइड के अंदर, तो इस टाइप से मैं इंट्राडे में यहां पर प्ले कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको ये टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे तो आपको इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेना है, ना कि अपनी पोजीशन को रिटेन रखना है, क्योंकि वीक टेरिटरी के अंदर है। मैंने अभी आपको बताया कि हर एक ऊपर के लेवल्स इसके लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आप एक प्रॉफिट तो जरूर कमाएं इंट्राडे में बट आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करें अपने टाइम फ्रेम को और फिर वो सारा का सारा प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे। इसलिए अगर कोई ट्रेड जस्ट टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ले रहे हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में उसको काटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टॉप लॉस के साथ में इस टाइप की ट्रेड आप डेफिनेटली एचडीएफसी के अंदर ले सकते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और एक और इंडिकेटिव मूव जो पॉजिटिव चीज है बस यहां पर वो यही है, देखिए कि अगर वापस से इसी बैंड के अंदर आ जाता है तो उसके बाद में इन रेजिस्टेंस लेवल को निकालने के ऊपर ये एक डेफिनेटली बड़े लेवल्स दिखा सकता है, तो अभी भी हमारे पास में बायस पॉजिटिव है क्योंकि आज का जो एक्शन है वो थोड़ा सा वीक सेंटीमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आता हुआ दिखाई दिया है, जिसने इस स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी 6% की गिरावट ला दी है। तो लेट्स सी कैसा मूव बनता है, इसके नीचे हम लोग निकलते हैं या फिर वापस से ऊपर की तरफ जाने की अप्रोच करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर हमें किस टाइप की ट्रेड लेनी है। तो आई होप देखिए सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय।